इस ब्रह्मांड में आवाज तो लगभग सभी जीवों को मिली है, लेकिन अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर आवाज के साथ व्यक्त कर पाने की योग्यता पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान के पास है। इंसान के बोलने की इसी कला का व्यवस्थित स्वरूप है वक्तृत्व कौशल। 1893 में विश्व पटल पर भारत की पहचान पुनर्जीवित करने वाला स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू का 15 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि में संसद में दिया गया अविस्मरणीय भाषण, कि सारे हमारे देश में अमन हो, शांति हो, आप उसकी लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद। 1963 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा अमेरिका में दिया गया अद्भुत भाषण हो, I am happy to join with you today। या फिर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे कालजयी वक्ता का संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया गया अद्वितीय संबोधन, भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। ये सभी वक्तृत्व कौशल के ऐसे अमिट उदाहरण हैं जिनकी प्रशंसा पूरे विश्व में की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थी को शिक्षा के साथ कौशल से जोड़ना पहली प्राथमिकता है। आज के जमाने में प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बच्चे कहीं भी जाएंगे तो अपनी बात कॉन्फिडेंटली वो कह सके और अपना जो भी उनके पास जो मटेरियल है उसको कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये जो पूरा स्किल्स वाला जो कॉम्पोनेंट है, स्पोकन स्किल्स वाला, ये पूरा व्यक्ति के बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण का एक आधार है और इसको हमको बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहिए बच्चों के अंदर। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान दिया जाए क्योंकि यही प्रथम चरण है बच्चे के विकास के लिए। 21वीं शताब्दी में सफल होने के लिए विद्यार्थी में 4 C's यानी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जैसे कौशल आवश्यक हैं। बेहतर संवाद के लिए पब्लिक स्पीकिंग यानी वक्तृत्व कला इन्हीं कौशलों में से एक है जो विद्यार्थी में वैचारिक अभिव्यक्ति के साथ लीडरशिप का आत्मविश्वास जगाती है। विद्यार्थियों में वक्तृत्व कौशल का यही गुण विकसित करने के उद्देश्य से CCLE के तहत माह के दूसरे शनिवार विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। भाषण व्यक्ति की झिझक उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। विद्यार्थी भी अक्सर झिझक की वजह से उन गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाते जहां वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। इस समस्या से निदान दिलाने के लिए भाषण की ये गतिविधि बहुत उपयोगी है। इस गतिविधि में विद्यार्थियों को उस माह की थीम के अनुसार कक्षा अध्यापक द्वारा गुरुवार को एक विषय दिया जाता है जिस पर विद्यार्थी को निश्चित अंतराल में भाषण देना होता है। इस पूरी गतिविधि के दौरान विद्यार्थी चिंतनशीलता, कल्पना शक्ति का प्रयोग, विचारों की तारतम्यता एवं भाषा पर पकड़ बनाने जैसे कौशल सीखते हैं। साथ ही इस तरह की गतिविधि से वे अपने विचारों को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने की कला भी सीखते हैं। चित्र आधारित तात्कालिक भाषण। इस गतिविधि में विद्यार्थी को उस माह की थीम के अनुसार एक चित्र दिखाया जाता है जिसे देखकर विद्यार्थी को उससे संबंधित तात्कालिक भाषण देना होता है। इस गतिविधि के द्वारा विद्यार्थियों में शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन पावर और दूरदर्शिता जैसे कौशलों का विकास होता है। कहानी वाचन। विद्यार्थियों में कहानी के प्रस्तुतीकरण का गुण विकसित करने के लिए CCLE की एक गतिविधि आयोजित की जाती है। इस गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थी अपने आसपास से एकत्रित कर या स्वयं की कल्पना से कहानियों को तैयार कर शिक्षकों के मार्गदर्शन में उनका भावपूर्ण प्रस्तुतीकरण करते हैं। कहानियों के विषय विद्यार्थी स्वयं चुन सकते हैं या शिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रचलित कहानियों जैसे नमक का दरोगा, ईदगाह, पंचतंत्र आदि का भावपूर्ण वाचन भी कर सकते हैं। इसलिए
लिए पड़ोस के लोग वहां चुपचाप कचरा डाल दिया करते थे, वहां काफी कचरा जमा हो गया था। इस गतिविधि से विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता बढ़ती है एवं वे प्रस्तुतिकरण में हाव भाव की महत्वता को समझते हैं। वाद विवाद। हमारे देश में तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। वाद विवाद का उद्देश्य किसी विषय के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत चर्चा कर तर्क के साथ विषय को श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करना है। किसी भी विषय पर एक स्वस्थ तार्किक वाद विवाद उस विषय की समझ को और गहरा बनाता है, उसके सभी पहलुओं को समझने में सहायता करता है। CCLE की इस गतिविधि के तहत विद्यार्थी कक्षा अध्यापक द्वारा एक सप्ताह पहले दिए गए विषय पर विस्तृत अध्ययन कर शनिवार को अपना विचार प्रस्तुत करते हैं एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन में तर्क वितर्क के सही तरीकों का अभ्यास करते हैं। इस गतिविधि से उनकी तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है, संवेदनशीलता आती है, साथ ही वे सहिष्णुता के साथ दूसरों के विचारों को सुनना और आत्मसात करना भी सीखते हैं। सस्वर कविता वाचन। भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम है कविता। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया। अच्छे वक्ता अधिकांशतः अपने वक्तव्य के दौरान कविताओं का प्रभावी प्रयोग करते हैं, जिससे वे आसानी से अपनी भावना को श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। CCLE की इस गतिविधि के तहत विद्यार्थी से प्रसिद्ध कविताओं का सस्वर वाचन करने का अवसर दिया जाता है। उन्हें भाषाई उतार चढ़ाव सिखाने के लिए प्रभावशाली कविता पाठ के वीडियो भी दिखाए जा सकते हैं। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फिर उसी कविता का पाठ उनसे करवाया जा सकता है। कि जो दुनिया में अव्वल और निराला था, कवच किलो 81 का और 72 किलो का भाला था। जिधर से राणा चलते थे सन्नाटा सा छा जाता था, जैसे रण खेल देखने खुद महाकाल आ जाता। इस गतिविधि से विद्यार्थी शब्दों का ध्वनि प्रभाव समझते हैं, प्रभावशाली अभिव्यक्ति सीखते हैं और अपना शब्द भंडार बढ़ाते हुए संवेदना का गुण विकसित करते हैं। डिजिटल प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन। कहा जाता है 21वीं शताब्दी डिजिटल शताब्दी है। आज के दौर में डिजिटल लर्निंग के महत्व से हम सभी परिचित हैं। आज डिजिटल प्रेजेंटेशन से हम अपने विचारों को दुनिया भर में कहीं भी वर्चुअली प्रस्तुत कर सकते हैं। कोरोना काल में हम सबने देखा कि पूरी दुनिया ही जैसे कंप्यूटर और मोबाइल पर सिमट गई थी, लेकिन उस दौरान हमने ये भी देखा कि किस प्रकार दुनिया भर के लोग डिजिटल तकनीक की मदद से एक दूसरे से जुड़े रहे। इस गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों को दिए गए टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया जाता है और उन्हें MS Excel और PowerPoint जैसे सॉफ्टवेयर्स की मदद से डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाना और उसका प्रस्तुतिकरण करना सिखाया जाता है। विद्यार्थियों से गतिविधि डिजिटल स्क्रीन के साथ ही पेपर के माध्यम से भी कराई जा सकती है। वक्तृत्व कला में पारंगत होने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। बड़े से बड़े वक्ता भी एक दिन में ये कौशल नहीं सीखे, लेकिन एक दिन अवश्य सीखे। एक आदर्श शिक्षक के रूप में हमें इस गतिविधि के तहत विद्यार्थियों में यही प्रेरणा जगानी है कि वे किसी भी परिस्थिति में हार ना माने और लगातार अभ्यास करते रहें। भाषण है, वाद विवाद है, कविता पाठ है और जैसे कि मॉक इंटरव्यू, ये सब बच्चे के भाषा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा ही बच्चे में एक बोलने के की जो हिचक है वो दूर होती हैगी और बच्चे में कॉन्फिडेंस आता हैगा और वो आसानी से अपनी बात को दूसरे के सामने रख सकता है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के साथ ही ये आप शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि हमारे विद्यार्थी 21वीं सदी के कौशलों में पारंगत होकर सफलता के नए कीर्तिमान रचें एवं समाज व राष्ट्र निर्माण में योगदान देकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोगी बने।